मुगलों ने इस देश पर कई वर्षों तक शासन किया है। मुगल सल्तनत की शुरुआत बाबर ने की थी। औरंगजेब छठे नंबर के मुगल शासक थे, जिसने मुगल बादशाह अकबर के बाद सबसे लंबे समय तक शासन किया था। साल 1658 से 1707, लगभग 49 सालों तक औरंगजेब ने सत्ता की बागडोर संभाली थी। पर यह तक औरंगजेब को ऐसे ही नहीं मिला था। उसे इसके लिए अपने भाइयों को मौत के घाट तो अपने पिता को कैद करना पड़ा था। शाहजहां के चहेते होने के कारण 1636 में औरंगजेब को महज 18 साल की उम्र में दक्खन का सूबेदार बनाया गया था। वही 1637 में उन्होंने सफविद की राजकुमारी दिलरास बानो बेगम से निकाह किया। औरंगजेब की एक बहन की 1644 में मौत हो गई। इस दौरान औरंगजेब कई हफ्तों के बाद आगरा वापस लौटे, जिस बात से उनके पिता शाहजहां को गहरा आघात पहुंचा और उन्हें सूबेदारी के पद से हटा दिया गया। हालांकि इस दौरान औरंगजेब अपने भाइयों से विवाद भी शुरू हो गया था। शाहजहां का गुस्सा शांत होने पर औरंगजेब को 1645 में गुजरात का सूबेदार बनाया गया। गुजरात मुगल साम्राज्य का सबसे अमीर प्रांत था। वही गुजरात में औरंगजेब के अच्छे काम से खुश होकर उसे अफगानिस्तान का भी गवर्नर बना दिया गया था। साल 1653 में औरंगजेब को फिर से दक्खन की सूबेदारी मिली। इस दौरान औरंगजेब ने दक्षिण में अपने परदादा यानी अकबर द्वारा बनाए गए राजस्व नियम को लागू कर दिया। इस बीच आगरा से लंबे समय तक दूर होने के कारण औरंगजेब का बड़ा भाई दारा शिकोह शहंशाह का काफी चहेता बन गया। दारा शिकोह अपने पिता के सलाहकार के तौर पर काम करता था। वही दारा शिकोह और औरंगजेब की सोच विपरीत होने के कारण दोनों में मतभेद शुरू हो गए। इस दौरान औरंगजेब को गद्दी दारा शिकोह के पास जाती दिख रही थी। वर्ष 1656 में शाहजहां काफी बीमार पड़ गए थे। तीनों भाइयों में सत्ता को लेकर खुलकर विरोध भी शुरू हो गया था, लेकिन अन्य भाइयों से औरंगजेब अधिक शक्तिशाली और जानकार था। उसे युद्ध नीति और परिस्थितियों की जानकारी थी, जिसके कारण उसने अपने पिता शाहजहां को बंदी बनाकर भाइयों को मौत के घाट उतार दिया और खुद शासक बन गया। औरंगजेब अपना राज्याभिषेक खुद ही करवाया था। भाइयों की हत्या और पिता को बंदी बनाए जाने से उसकी प्रजा औरंगजेब से नफरत करने लगी थी। औरंगजेब ने शहंशाह की भी हत्या का प्रयास किया, लेकिन कुछ वफादारों के कारण वो ऐसा नहीं कर सका। फिर भी कहते हैं जब शाहजहां मरा तब उसकी मौत तड़प तड़प कर हुई थी। कहते हैं कि शाहजहां की हर रोज मालिश की जाती थी और एक दिन औरंगजेब के कहने पर उसके मालिश के तेल में जहर मिला दिया गया था। उससे शाहजहां तड़प तड़प कर मरा था। शाहजहां के मरने के बाद ही औरंगजेब पूरी तरह से बादशाह बना था। तब उसकी उम्र 50 हो चुकी थी। अपनी 50 साल की सालगिरह और शहंशाह का किताब का जश्न एक ही वक्त किया गया था, जिसमें शिरकत छत्रपति शिवाजी महाराज ने भी की थी और दिल्ली के तख्त को ललकारा था। खैर, वो कहानी कभी और सुनाऊंगा। लेकिन औरंगजेब का बादशाह बनने का सफर काफी लंबा था। अपनों के ही लाशों से गुजरकर औरंगजेब शहंशाह आलमगीर बना था। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।